नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आय विज्ञान समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं जिससे आपके बाल हमेशा के लिए झड़ना बंद हो जाएंगे। जी हाँ, बालों के झड़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान है। इसके अलावा बालों की सही तरीके से देखभाल ना करने के कारण और हार्मोनल बदलाव भी बड़ा कारण माने जाते हैं। महिला हो या पुरुष, बाल झड़ने की समस्या सभी को परेशान करती है। बदलते मौसम और जगह के परिवर्तन के कारण भी कुछ लोगों के बाल गिरने लगते हैं। यूं तो 50 से 100 बालों का झड़ना आम बात होती है, लेकिन अगर आपके बाल इससे ज्यादा झड़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। दोस्तों, अगर आप बालों का इलाज पाना चाह रहे हैं तो आप इधर उधर घूमने की बजाय आयुर्वेदिक इलाज लें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं वो आपके बालों को 10 दिनों के अंदर ही झड़ना बंद कर देगा और इसे असरदार तरीका भी अब तक नहीं बना है। तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या करना है। दोस्तों, आपने कनेर का तो नाम सुना होगा। कनेर के पीले रंग के फूल आपने देखे भी होंगे। आपको अपने घर के आसपास या फिर सड़क के किनारे ये फूल आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है। दोस्तों, कनेर के आपको पत्ते लेने हैं 60 से 70 ग्राम। उसके बाद आपको नारियल या जैतून का तेल लेना है 1 लीटर। उसके बाद आप तेल बनाने की विधि देख लीजिए। बालों के झड़ने की समस्या होने पर कनेर के 60 से 70 ग्राम पत्ते लें। इसके लिए आप लाल या पीली दोनों में से कोई भी या दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। इन पत्तों को सूखे कपड़े से साफ कर लें ताकि पत्तों पर ये मिट्टी निकल जाए। अब 1 लीटर नारियल या जैतून का तेल लेकर उसमें पत्ते काट कर मिला लें। फिर तेल को गर्म करने के लिए गैस पर रख दें। जब सारे पत्ते जलकर काले पड़ जाएं तो उन्हें निकाल कर फेंक दें और तेल को ठंडा होने के लिए रख दें। जब तेल ठंडा हो जाए तो छान कर किसी बोतल में रख दें। अब आप इस्तेमाल करने का तरीका देख लीजिए। इस तेल को थोड़ी मात्रा में लेकर 2 मिनट के लिए अपने बालों में मालिश करें। इसे रात भर अपने बालों में लगा रहने दें। सुबह अपने बालों को अच्छे से साफ कर लें। इस उपाय से सिर्फ 10 दिन में आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और 1 महीने में नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हम आपको एक चेतावनी भी देना चाहते हैं। दोस्तों, कनेर के पौधे का रस बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ बाहरी प्रयोग के लिए ही किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, इसे कोई गलती से भी ना खाए। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।